भगवान राम अपने आदर्शों के लिए भक्तों के सबसे प्रिय हैं। उनका जीवन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसको ध्यान में रखते हुए राम कथा कुंज का भी अयोध्या में निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लिया है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। कहते हैं कि कोई बड़ी चीज ऐसी ही बड़ी नहीं होती, और जब बात राम जैसे बड़े नाम बड़े भगवान की हो तो फिर हर चीज उससे जुड़ी हुई कोई भी चाहे छोटी चीज हो वो भी बहुत भव्य हो जाती है और बड़ी हो जाती है। इसी का नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वो मूर्तियां हैं जो कि राम कथा कुंज यहाँ पर बनेगा, राम मंदिर के बगल में वहां पर स्थापित की जाएंगी, और इनमें भी सालों से काम चल रहा है। एक एक मूर्ति को बनाने में सालों साल का वक्त लगा है, और तमाम सालों की तपस्या के बाद इन मूर्तियों को उकेरा गया है। ये सीमेंट मेटल और तमाम दूसरी चीजें मिला करके कारीगरों ने मूर्तियों को तैयार किया है। और इन मूर्तियों की खास बात यह है कि भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए हर इम्पोर्टेंट पहलू को इन मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है। और इनको जब स्थापित किया जाएगा तो इन मूर्तियों को ऐसे ही स्लैब पर ऐसे रखा जाएगा जिससे कि रामायण की चौपाइयाँ उकेर करके बताया जाए कि कौन सा किस वक्त का मौका है जबकि मूर्ति दर्शाती है, चाहे वो राम के वन जाने की बात हो, पैदा होने की बात हो, खेलने की बात हो, बाल्यकाल की बात हो, या फिर उनकी दीक्षा शिक्षा की बात हो, धनुष विद्या सीखने की बात हो, या फिर जो दशरथ के साथ उनके संवाद हो, भगवान के अपने परिवार के लोगों के साथ संवाद हो, या फिर तमाम वो मौके जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं भगवान राम के जीवन में, उन हर मौके को इसमें दर्शाने की कोशिश हुई है। और जब ये स्थापित की जाएंगी उस जगह पर जिसको राम कथा कुंज नाम दिया गया है, वहाँ पर तो एक एक मूर्ति ये बताएगी कि राम के जीवन में कब कौन सी घटना किस तरह से गुजरी, और वही हाव भाव वही दृश्य और वही सब चीज़ें इसमें दर्शाने की कोशिश हुई है। और ऐसी तमाम चीज़ें इकट्ठा की जाएंगी राम मंदिर के आसपास जिससे कि राम मंदिर का जो विशाल प्रांगण है वो और भव्य हो जाए। और ऐसी ही कई छोटी चीज़ें जो कि वाकई में छोटी नहीं है, बड़ी ही हैं, लेकिन इस भव्यता को, इस वैभव को और राम मंदिर के राम के नाम को और बड़ा करती हैं। ऐसी ही तमाम तस्वीरें, तमाम चीज़ें, कलाकृतियां यहां पर उकेरी जाएंगी कि जब राम मंदिर पूरी तरह से अपने अस्तित्व में भव्य रूप में आ जाएगा तो ये पूरी की पूरी अयोध्या राममय हो जाएगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रेष्ठ भारत, अयोध्या।